हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट लेके आए हैं। सूजी का उपमा बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है और बहुत ही कम समय में हम इसको तैयार कर सकते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सूजी का उपमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दूंगी। अब हम 1 कप सूजी डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से सेक लेंगे। गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम कर रखा है। हल्का ब्राउन होने तक हम सूजी को सेकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सूजी का कलर चेंज होने लग गया है। हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं सेकना है, सूजी को हल्के हल्का ही सेकना है क्योंकि हमने मीडियम फ्लेम पे सूजी सेकी है तो बहुत अच्छे से सिक गई है। अभी हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सूजी को ठंडा होने के लिए किसी प्लेट में निकाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने सूजी को प्लेट में निकाल दिया है, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आइए फ्रेंड्स, जब तक सूजी ठंडी होती है तब तक हम सब्जियां तैयार कर लेते हैं। मैंने उपमा बनाने के लिए 2 बड़े साइज की हरी मिर्च ली हैं क्योंकि हमें स्पाइसी बनाना है। अगर आप स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं तो आप 1 मिर्ची भी डाल सकते हैं। 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं, आधा मैंने नींबू लिया है, थोड़े से मैंने करी पत्ता यानी कि मीठा नीम लिया है, थोड़े से मैंने प्रिजर्व मटर लिए हैं, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने थोड़े से पीस काजू के दिए हैं, 1 चम्मच मैंने चने की दाल ली है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक आप यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज में लें। आइए हम इन सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने प्याज को और हरी मिर्ची को एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है। आप इसमें जो भी सब्जियां पसंद करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं, बिल्कुल बारीक कट करके ही डालें। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल दिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज में ले सकते हैं। गरम होने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, घी गरम हो चुका है, मैं 1 चम्मच राई डाल दूंगी। फ्रेंड्स, राई पक चुकी है, अब हम इसमें चने की दाल डाल देंगे और अच्छे से इसको भूनने देंगे। गैस के फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है, हाई या मीडियम नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, दाल का कलर चेंज हो गया है, डार्क ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें काजू के पीसेस डाल देंगे। आप चाहें तो मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं। देखिए, काजू ने भी कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें मीठा नीम डाल देंगे। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी और बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हरी मिर्च फ्राई होने के बाद में हम इसमें प्याज ऐड करेंगे।
हरी मिर्च बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। फ्रेंड्स, पहले हरी मिर्च फ्राई करने से उपमा में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स, प्याज भी ऑलमोस्ट भुनने को आ गया है। अब हम इसमें मटर के दाने डाल देंगे। नमक डाल देंगे। देखिए, सभी सब्जियां बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे। पानी को बॉईल होने देंगे। पानी बॉईल होने लग गया है। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको पानी कम लगता है तो फ्रेंड्स, आप अलग से गर्म पानी करके डाल सकते हैं, या थोड़ा सा पानी इस समय ही और डाल सकते हैं आप, क्योंकि अभी तो ये बहुत तेज गर्म है। अब हम इसको दो से तीन मिनट के लिए ढक देंगे। आइए चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उपमा बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें आधा जो नींबू लिया था उसका रस डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। आइए फ्रेंड्स, सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, उपमा बिल्कुल रेडी है, हमने सर्व भी कर दिया है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से देसी घी भी डाल सकते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए देखिए मैंने इसमें घी भी डाल लिया है। अब फ्रेंड्स, जब चाहें तब आप बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।